स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आफ्टर द लॉन्ग टाइम। ऑलरेडी मैंने प्रीवियसली लेक्चर्स में रिलेशनल लैंग्वेजेस की सम पॉइंट्स मैंने पढ़ा दिए थे। ओके, बट क्या क्या पढ़ाया था? फर्स्ट ऑफ ऑल कई व्हाट इज इंट्रोडक्शन, रिलेशनल मॉडल का इंट्रोडक्शन क्या है, उसके बाद डेफिनेशंस क्या है, उसमें हमने देखा था कि रिलेशन क्या है, देन उसके बाद टपल क्या है, एट्रीब्यूट क्या है, कार्डिनलिटी क्या है, डिग्री क्या है, प्राइमरी की क्या है, फॉरेन की क्या है और डोमेन क्या है। ओके, उसके बाद हमने ये देखा था कि हाँ जो एग्जांपल देखे थे प्राइमरी की, और उसके बाद हमने सम जो फंक्शनलिटी थी वो देखी थी। ये देखो यहाँ पे मैंने दिखा है कि हाँ डोमेन क्या है, तो डोमेन जो देन प्राइमरी की क्या है, देन टपल्स क्या है, व्हाट इज कार्डिनलिटी, व्हाट इज एट्रीब्यूट्स एंड व्हाट इज डिग्री एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टेबल्स। Okay, this is the concept. So, what is tuple? The tuple is means the row or record. What is attributes? Column or field. What is cardinality? Number of rows. What is degree? Number of columns. What is primary key? Unique identifier. And what is domain? The pool of legal values. जो हमने legal value define की है वो. For example, हमने जिस field में email ID बोला है वो वी field में email ID आना चाहिए, उसमें एडर्ट कंपलसरी आना चाहिए, अदरवाइज वो ईमेल आईडी वैलिड नहीं मिलेगा। ओके, तो पूल ऑफ लीगल वैल्यूज, देन उसके हमने ऑपरेशंस देखे थे, तो ऑपरेशंस में हमने देखा था सिलेक्शन है, प्रोजेक्शंस है, क्रॉस प्रोडक्ट है, सेट डिफरेंस है, यूनियन है। ओके, तो हमने सिलेक्शन देखा था, प्रोजेक्शन देखा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा था, यूनियन भी देखा था। ऑपरेशंस कंबाइन्स द रिजल्ट ऑफ टू सिलेक्ट स्टेटमेंट्स एंड रिटर्न ओनली दोस रिजल्ट व्हिच बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट ऑफ रिजल्ट्स। ओके, यानी कि सपोज सेट वन है और सेट टू है, तो सेट वन माइनस सेट टू करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो बिलोंग्स टू सेट वन से ही बिलोंग करेगा। ओके, विच बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट ऑफ रिजल्ट। ओके, दिस इज द एग्जांपल डिफरेंस बिटवीन द सेट वन माइनस सेट टू। ओके, तो दिस इज अवर रिजल्टेंट एरिया। ओके, दिस इज अवर रिजल्टेंट एरिया। ना उसकी सिंटेक्स क्या होगी, टेबल वन माइनस टेबल टू, यानी अल्टरनेटिव हम क्या लिखेंगे, टेबल वन माइनस टेबल टू। दिस ऑपरेशन इज इम्पॉसिबल अनलेस द बोथ टेबल्स इन्वॉल्व्ड हैव द सेम स्कीमास। ओके, एक ही स्कीमा में दोनों टेबल हो गए तो ये ऑपरेशंस पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इट ओनली मेक सेंस इज कैलकुलेट द सेट द डिफरेंस इफ द टू सेट्स हैव एलिमेंट्स इन अ कॉमन। ओके, ये तभी पॉसिबल होगा जब एक दोनों सेट में जो कोई भी ऑपरेशन है वो कॉमन होंगे। तो उसका एग्जांपल देखते हैं। ओके, तो पार्ट वन सप्लायर्स है, तो उसके हमने प्रोजेक्ट पहले तो हमने क्या किया है, सिलेक्ट सप्लायर्स वेयर द पी नंबर इज इक्वल टू पी वन, यानी हमने पहले सप्लायर्स सिलेक्ट किए हैं, उसमें पी नंबर क्या होना चाहिए, एस वन होना चाहिए, उसके बाद हमने प्रोजेक्ट किया है। ओके, उसके बाद सेकंड वन पी टू लिया है। ओके, यानी पार्ट वन सप्लायर्स पार्ट टू। ओके, उसका भी डिफरेंस करना है, तो क्या अल्टरनेटिवली हमें ये लिखना है। ओके, जो हमने पाई और सिग्मा का यूज किया था प्रोजेक्शन और सिलेक्शन का। ओके, तो ये रहा हमारी रिजल्टेंट, पार्ट वन सप्लायर्स है, उसमें कितने एट्रीब्यूट्स है, एस वन एस थ्री एंड एस फोर, और पार्ट टू सप्लायर में क्या है, एस टू एंड एस फोर। तो जो हमारा डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, एस फोर एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, जो कॉमन चीज है वो, और उसके बाद आंसर आएगा एस वन और एस थ्री, समझ गए। तो ये है डिफरेंस ऑपरेशंस। ओके, फाइंड द बोरोअर नंबर ऑफ ऑल बोरोअर्स हु हैव बोरोड समथिंग एंड रिजर्व समथिंग। ओके, फाइंड द बोरोअर नंबर ऑफ ऑल नंबर्स हु हैव बोरोड समथिंग एंड रिजर्व्स नथिंग। ओके, तो यहाँ पे रिजर्व नथिंग आया, बोरोड समथिंग आया, यानी यहाँ पे डिफरेंस करना है।
ओके okay, तो यहाँ पे दो कौन सी चीज कॉमन है वो पहले देखनी पड़ेगी। देखो जो 1323 1323 2525 2653 ओके और 7635 वो तीन दोनों तीनों कॉमन है। ओके तो इसका आंसर आएगा बोरोवर्स डिफरेंस रिजर्व्स। ओके तो ये हमारा आंसर आएगा 1 1 2 3 4 एंड 5 3 4 2। ओके बाकी सारी चीजें तो ऑलरेडी रिजर्व्स में कॉमन है। नाउ जॉइन ऑपरेशन, व्हाई वी नीड जॉइन ऑपरेशन, द मोस्ट यूजफुल एंड कॉमन ऑपरेशंस। ओके ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको डेफिनेटली याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसका ये क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही है एग्जाम में। नाउ व्हाई वी नीड द मोस्ट यूजफुल एंड मोस्ट कॉमन ऑपरेशंस, टेबल्स आर रिलेटेड बाय हैविंग अ कॉलम्स इन कॉमन, प्राइमरी की ऑन द टेबल अपियर्स एज अ फॉरेन की इन अनदर टेबल। ओके यानी कि जो प्राइमरी की है वो दूसरे टेबल की फॉरेन की हो सकती है। ओके तो वो जॉइन ऑपरेशंस वो रिलेशंस दिखाते हैं। ओके टेबल्स आर रिलेटेड बाय हैविंग कॉलम्स इन कॉमन, प्राइमरी की ऑन द अनदर वन टेबल अपियर्स एज अ फॉरेन की इन अनदर टेबल। जॉइन यूजेस दिस रिलेटेडनेस टू कंबाइन द टू टेबल्स इनटू वन। ओके जॉइन ऑपरेशन क्या करेगा, ये जो हमारा जो प्रॉपर्टीज है टेबल की ओके फॉर प्राइमरी की एंड फॉरेन की उसके हेल्प करके वो कंबाइन करेगा। जॉइन इज यूजुअली नीडेड व्हेन द डेटाबेस क्वेरी इन्वॉल्व्स नोइंग समथिंग फाउंड इन वन टेबल बट वांटिंग टू नो समथिंग फाउंड इन अ डिफरेंट टेबल। जॉइन इज यूजफुल बिकॉज बोथ सिलेक्ट एंड प्रोजेक्ट वर्क ऑन ओनली वन टेबल एट अ टाइम। ओके यहाँ पे जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो सिलेक्ट ऑपरेशन थे जो प्रोजेक्ट ऑपरेशन थे वो एक ही टेबल पे वर्क करता था। ओके पर यहाँ पे हमें मोर देन वन टेबल्स को ज्वाइन करना है या ऑपरेशंस करने हैं। ओके और जो हमारे जो क्लाइंट है उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो हमें ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो वो सिलेक्शन और प्रोजेक्शंस से पॉसिबल नहीं होंगे, तो उसके लिए वी नीड अ ज्वाइन ऑपरेशंस। नाउ टाइप्स ऑफ ज्वाइन, द फर्स्ट वन इज इनर ज्वाइन इज ऑल्सो कॉल्ड अ नेचुरल ज्वाइन और इक्वी ज्वाइन, सेकेंड वन इज आउटर ज्वाइन। ओके the two types of the joint operations, the first one is the inner joint and the second one is outer joint. The first one is inner joint, the natural joint is binary operations that allows to combine certain selection and cartesian product into a one operation. Okay certain selection any selection operation or cartesian product hai okay unko combine karke operation perform karega usko hum bolenge natural joint. Okay it is denoted by these symbols. Now the example dikhte hai, they consider the two relations, the first one is a table employee and the second one is a table salary. Okay to yahan pe char employee hai, uske code hai emp 001 2 3 4 aur unki salary yahan pe di gayi hai. To display all the names of all employee with the salary we need to combine employee and salary related using the Cartesian product. Okay क्या करना है, टू डिस्प्ले ऑल द नेम ऑफ ऑल द एम्प्लॉय विद द सैलरी। ओके हमें एम्प्लॉय के नाम भी चाहिए और सैलरी भी चाहिए, तो उसके लिए हमें दोनों टेबल कार्टेशियन प्रोडक्ट से कंबाइन करने पड़ेंगे। फर्स्ट वन इज फर्स्ट क्या करेंगे, हम दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, टेबल एम्प्लॉय इंटू टेबल सैलरी। ओके उसके बाद हम सिग्मा ऑपरेशंस यूज करेंगे, उसमें क्या यूज करेंगे, दोनों में एम्प्लॉय कोड सेम है तो टेबल एम्प्लॉय कोड TBL employee dot employee code equal to TBL dot salary dot employee code. Okay, तो हमने वो कंबाइन किया तो हमें वो ऑपरेशन, उसके बाद हमें ओनली दो ही चीज चाहिए। ओके सिलेक्ट दो ही चीज करनी है, द फर्स्ट वन इज एम्प्लॉय नेम एंड द सेकंड वन इज सैलरी, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग पाई, एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी। द अबव क्वेरी इज रीरिटन यूजिंग द नेचुरल जॉइंस। ओके हम नेचुरल जॉइंस से कैसे लिखेंगे, जो हमने जो प्रोजेक्शन ऑपरेशन किया था उसको हमने एलिमिनेट कर दिया सिलेक्शन ऑपरेशन को, और उसके बाद डायरेक्टली हमने ये रिटर्न किया। ओके द रिजल्ट आउटपुट इज दिस। ओके समझ गया, जो हमने जॉइन ऑपरेशंस परफॉर्म नेचुरल जॉइन ऑपरेशंस परफॉर्म करके जो हमारा रिजल्ट आया वो। नाउ सेकंड वन इज आउटर जॉइन, outer join operation is extension of the join operation to deal with the missing information. Okay abhi outer joins ke teen type,
फर्स्ट वन इज अ लेफ्ट आउटर जॉइंट, द सेकंड वन इज अ राइट आउटर जॉइंट एंड द थर्ड वन इज अ फुल आउटर जॉइंट्स। ओके, पहले हम जॉइन के हमने दो पार्ट्स एलिमिनेट दो पार्ट्स हमने निकाले। फर्स्ट वन इज अ इनर जॉइन यानी नेचुरल जॉइन और सेकंड वन इज अ आउटर जॉइन। ओके, उसके बाद हमने आउटर जॉइन के तीन पार्ट्स डिस्प्ले किए। द फर्स्ट वन इज अ लेफ्ट आउटर जॉइन, द सेकंड वन इज अ राइट आउटर जॉइन एंड द थर्ड वन इज अ फुल आउटर जॉइन। नाउ फर्स्ट वन इज अ आउटर जॉइन। ओके, द कंसीडर द फॉलोइंग टू रिलेशंस, द फर्स्ट वन टेबल एम्प्लॉय एंड द सेकंड वन इज अ टेबल एम्प्लॉय सैलरी। ओके, तो यहां पे हमने फर्स्ट में जो हमारा एम्प्लॉय वाला टेबल है उसमें चार एम्प्लॉय है, द हरि, ओम, राज एंड मेगा, और उनकी कौन से सिटी से बिलोंग करते हैं वो सिटी हमने डिस्प्ले की है, वडोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर एंड वलसाड। उसके बाद अनदर टेबल चेक कीजिए, सेकंड वन रिलेशंस टेबल, अंदर उसमें क्या है, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी। ओके, तो यहाँ पे हरि, ओम, विधि एंड मेगा, फर्स्ट टेबल में विधि नहीं थी। ओके, तो यहाँ पे विधि है और जो वहां पे राज है, यहाँ पे राज नहीं है। ओके, तो वो एक डेटा मिसिंग है, तो वाई वी नीड दिस आउटर जॉइन। ओके, तो वो हमें यहाँ पे एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा कि हाँ कि क्यों जरूरत पड़ी। नाउ हम जो रिजल्टेंट नेचुरल जॉइन से हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, हरि, ओम, मेगा। ओके, दोनों दो चीज एलिमिनेट हो गई, राज एज वेल एज विधि। ओके, वो मिसिंग हो गई, तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी आउटर जॉइन की। नाउ इनर जॉइन और नेचुरल जॉइन ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड। ओके, नाउ लेफ्ट आउटर जॉइंट, अभी लेफ्ट आउटर जॉइन हम परफॉर्म करेंगे तो इट इज डिनोटेड बाय द, ओके, जो वो साइन थी उसमें हमने दो लाइंस ऐड कर दी, तो इसको हम बोलेंगे लेफ्ट आउटर जॉइन। द रिजल्ट ऑफ टेबल एम्प्लॉय एंड टेबल एम्प्लॉय सैलरी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट आउटर जॉइन यानी जो हमारा जो लेफ्ट वाला टेबल है, सेट वन वाला जो टेबल है, वो जो सारे डेटा है वो हमें फेच करके देगा। ओके, तो उसमें हमारे पहले वाले टेबल में कौन से डेटा थे, हरि, ओम, राज एंड मेगा, और वो कौन से सिटी से बिलोंग करते थे, वो डिटेल्स थी, वडोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर एंड वलसाड। बट हमारे जो अनदर टेबल है सेकंड वन एम्प्लॉय सैलरी, उसमें राज की डिटेल्स नहीं थी, तो वहां पे उन लोगों ने क्या डिस्प्ले किया, नल। तो ये है जो इंफॉर्मेशन हम जब सिलेक्शन प्रोजेक्ट जो नेचुरल जॉइन ऑपरेशंस परफॉर्म करते थे तो ये चीज एलिमिनेट हो जाती थी, यानी राज वाले जो डेटा है वो मिसिंग हो जाते थे, तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ी लेफ्ट आउटर जॉइन की, आउटर जॉइन ऑपरेशंस परफॉर्म करने की। तो यहाँ पे हमने देखा फर्स्ट वन लेफ्ट आउटर जॉइन, नाउ अनदर वन इज अ राइट आउटर जॉइन, इट इज डिनोटेड बाय दिस साइन। ओके, तो यहाँ पे हम जो साइन करेंगे वो राइट साइड पे आएगा, वहां पे लेफ्ट साइड पे थी। The result of the table employee and the table employee salary. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वहाँ पे second table में विधि का नाम था, तो विधि कौन सी सिटी से belong करती थी वो data में हमारे था ही नहीं, उसमें department और salary थी, तो ये चीज जो missing रह जाती थी ये यहाँ पे display हो गई। तो this is called the right outer joint. Now full outer joint. Okay, तो this is the operation result of the full outer joint. Raj aur Vidhi ke jo data missing reh jate the inner join aur natural join operations mein, wo yahan pe missing nahi rahenge. That's why we need the outer join operations, or this is the most important. Okay, now exam mein aapko puche ki ha join operations explain kijiye with example, to aapko likhna hai first one is a जो जॉइन ऑपरेशन नेचुरल जॉइन ऑपरेशन था वो नेचुरल जॉइन के बाद पहले तो टाइप्स लिखना है ना, इनर जॉइन और आउटर जॉइन यानी नेचुरल जॉइन और आउटर जॉइन, उसके बाद नेचुरल जॉइन एक्सप्लेन करना है, उसके बाद आउटर जॉइन में तीन पार्ट्स आपको डिवाइड करना है। तो फर्स्ट वन इज अ लेफ्ट आउटर जॉइन, द सेकंड वन इज अ राइट आउटर जॉइन एंड द थर्ड वन इज अ फुल आउटर जॉइन। नाउ एग्रीगेट फंक्शंस, नाउ ऑलरेडी आपने ये फंक्शंस मैथ्स में पढ़ा ही होगा, एग्रीगेट क्या है, एग्रीगेट किसको बोलते हैं, the aggregate functions take a collection of values and return a single value. Aggregate functions take a collection of values and return a single value. Okay, so consider this relations TBL
एम्प्लॉय सैलरी रिलेशंस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाँ एम्प्लॉय चार एम्प्लॉय है उनकी सैलरी यहाँ पे कंसिडर की है। नाउ एग्रीगेट फंक्शंस है, ओके तो एग्रीगेट फंक्शन में पहला फंक्शन है हमारा सम, तो इट इज डिनोटेड बाय जी सम, सिंटेक्स इज जी सम द कॉलम नेम इनटू टेबल नेम। ओके सपोज हमें एम्प्लॉय की सैलरी है, उस जितने भी एम्प्लॉय है उनकी सैलरी का हमें एडिशंस करना है, सम करना है, तो उसके लिए हम तो यहाँ पे जो 10,000, 7,000 प्लस 8,000 प्लस 5,000 यानी हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा 30,000। ओके और दिस इज अवर रिजल्ट ऑफ फर्स्ट फंक्शंस सम एग्रीगेट फंक्शंस। नाउ द सेकंड वन इज एवरेज, ओके इट इज डिनोटेड बाय द जी एवरेज, उसके सिंटेक्स क्या है जी एवरेज इन ब्रैकेट द कॉलम नेम एंड द टेबल नेम। ओके फॉर एग्जांपल हमें सैलरी का एवरेज करना है तो जी एवरेज सैलरी द रिलेशन टेबल यानी टेबल नेम एम्प्लॉय सैलरी, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा 7,500। ओके दिस द एवरेज ऑफ आवर सैलरी। नाउ characteristics of the relational model, the relational model eliminates all parent child relationships and instead of represent all data in the database as a simple row column table of the data values. Okay characteristics hum yahan pe dekh rahe hain, the first is that the relational model eliminates all the parent child relationships and instead represent all the data in the database as a simple row column table in the data values. A relational is a similar to a table with the row and column of the data values. Each table is an independent entity. There is no physical relationship between the tables. Most data management system based on the relational model. Built-in support for the query language like ANSYS, SQL or QBE. A relational model of the data management is based on the set theory. The user interface used with a relational model is a non-procedural because only what needs to be done is specified, not how has to be done. तो ये सारी हमारी characteristics थी। ओके आप फिर से इस चैप्टर का पहला वीडियो और सेकेंड वीडियो साथ में देखना हो तो एग्जैक्टली आपको जो भी ऑपरेशन है या जो भी फंक्शंस यहाँ पे परफॉर्म हो रहे हैं तो एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा। ओके आज शाम या कल मॉर्निंग तक मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा यूनिट 3 के और उसके बाद हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे और साथ में जो हम ऑलरेडी यूनिट्स जो 8 ऑलरेडी हम चला रहे हैं वो भी हम पैरेलली चलाते रहेंगे। अभी ये अभी रेगुलर वीक में आपके 4 to 5 लेक्चर्स होंगे। ओके वो मैं कभी भी रख दूंगा, उसके बाद हम डाउट सॉल्विंग सेशन भी रखेंगे। ओके थैंक यू।